السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه سنن ترمزي हदीस नंबर 2317 हज़ार तीन सौ सत्रह मेले भाइयों अभी मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की है ये हदीस उन हदीसों में से एक है जिसके बारे में ने कराम ने कहा है कि इन हदीसों पर पूरे इस्लाम का दारदार है चार हदीसें वो ज़िक्र करते हैं उन चारों में से एक यही हदीस है जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया है हकीकत ये है कि अगर इंसान सिर्फ़ इसी एक हदीस पर अमल कर ले तो बहुत सारे गुनाहों से वो महफूज हो जाएगा और जो भी काम वो करेगा आखिरत में उसके लिए सवाब सवाब ही सवाद उस काम से होगा सबसे पहली बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें ये मालूम होती है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका कुछ मकसद ना हो जिसमें कुछ फ़ायदा ना हो ऐसे सारे काम हमें छोड़ देना चाहिए मोबाइल का इस्तेमाल करना हो नाविले पढ़ना हो या कुछ और काम करना हो अगर उनका कुछ मकसद नहीं है उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए आज हम मोबाइल व्हाट्सएप पर घंटों घंटों ज़ाय कर देते हैं लायानी लाइक कमेंट्स जारी रहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये इस्लाम की खूबी में से नहीं है अगर इंसान अपने इस्लाम को खूबसूरत बनाना चाहता है और जानते हैं खूबसूरती क्या चीज़ होती है आज दुनिया का हर इंसान खूबसूरत बनना चाहता है और उसके लिए ना जाने क्या क्या वो इंतज़ाम करता है लेकिन जो इस्लाम हमारा है जो इस दुनिया का सबसे क़ीमती सरमाया है हमारे लिए वो इस्लाम हमारा किस तरीके से खूबसूरत होगा कौन सा काम करें कौन से अमाल करें जिनके बुनियाद पर हमारा इस्लाम खूबसूरत हो जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर अपने इस्लाम को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो ऐसे तमाम काम छोड़ दो जिन कामों में तुम्हारा कुछ फायदा ना हो बेमकसद बोलो नहीं बेमकसद लिखो नहीं बेमकसद पढ़ाई मत करो बे मकसद सो नहीं बेमकसद खाओ नहीं कोई भी काम हो जब जरूरत हो तो आप बोलिए जरूरत हो तो खाइए जरूरत हो तो पढ़िए जरूरत हो तो लिखिए जरूरत हो तो सोइए अगर नहीं जरूरत है तो आप मत सोइए नींद आपकी मुकम्मल हो चुकी है अब सोने की जरूरत नहीं है मत सोइए जिक्र अस्कार कीजिए इसी तरीके से अगर हम इस हदीस पर अमल करेंगे तो दरअसल हमारे अखलाक भी कहीं ना कहीं अच्छे हो जाएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुस्न अखलाक को अपनाने की तालीम दी है आज हमसे ना जाने कितने गुनाह ऐसे हैं जो लायानी बोलने की वजह से हो जाते हैं बहुत सारे गुनाह हम अपनी ज़बान से करते हैं जबान पर कंट्रोल नहीं है हमें बेमकसद बोलते हैं दो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं अब बीच में हमें जाने की क्या ज़रूरत है जब तक वो हमें ना बुलाए अपने इख्तलाफ को हल करने के लिए तब तक हमें जाने की क्या ज़रूरत है दूसरों के मसाइल में बेमकसद जाएं उलझे या अपना वक्त ज़ाय करना इसके अलावा और कुछ नहीं है इस वजह से अगर हम इस हदीस पर अमल करना चाहते हैं मुख्तसर लफ्ज़ों में इस अदीस का पैगाम ये है कि कोई भी काम बे मकसद हम मत करें और बतौर ख़ास अपनी ज़बान पर हम लगाम दे लायानी बोले नहीं चौराहों पर होटलों पर मोबाइल पर लग करके हम अपने वक्त को जाए मत करें ज़रूरत हो तो मोबाइल के इस्तेमाल करें ज़रूरत हो तो फेसबुक चलाएं ज़रूरत हो तो होटल पर जाए वरना फिर अपने घर पर रह कर के रब्बुल आलमीन को याद करें और अपने अखलाक को और अपने इस्लाम को खूबसूरत बनाएं। अगर हमारा इस्लाम खूबसूरत हो जाएगा तो इनशा हमारे अमाल भी ख़ूबसूरत होंगे और जब हमारे अमाल खूबसूरत होंगे तो इन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुआजज़ और मुकर्रम बन जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है एल आलमीन तो हम तमाम लोगों को लायानी कामों से लायानी चीज़ों से दूर रख और अपना महबूब बना आमीन वसलैक् वहमत ला वरकू ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन खैरन